हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स की ये शीट आ चुकी है और मेरा अनुभव बच्चों को देखते हुए ये रहा है कि बच्चों का माइंड जो है आजकल बिल्कुल फिलअप हो चुका है, प्रेशर कुकर बन चुका है। तो उनके मोटिवेशन के लिए मुझे एक ही बात कहनी है। मैंने ये देखा है कि अधिकांश बच्चे मैथ्स और साइंस से घबराते हैं क्योंकि उनके मन में शुरू से ही उनके भीतर एक ये भावना भर दी जाती है कि ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं सबसे मुश्किल सब्जेक्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट एक समान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो आज का हमारा मुख्य बात यही रहेगी कि हम अपने मैथ्स की तैयारी कैसे करें। मैथ्स की तैयारी के लिए देखिए, आप कर सकते हैं अभ्यास यानी प्रैक्टिस। फॉर्मूला तो आप लर्न कर लेंगे क्योंकि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस भी लर्न कर लेते हैं। तो अभ्यास किसका करना है? मैथ्स के क्वेश्चंस का जितना भी आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बात इंग्लिश के चैप्टर्स की है और हिंदी के यदि चैप्टर्स की आती है तो हिंदी तो आप सुन करके भी आपको याद रह जाएगी और आपने यदि पाठ सुना हुआ है या कहीं भी पढ़ा है तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन मैथ्स और साइंस दोनों में आपको टाइम ज़्यादा देना होगा, यानी कि अभ्यास ज़्यादा करना होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। क्योंकि आप यदि इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं करने से यह विद्या नष्ट हो जाती है, यह पढ़ाई आपकी, इसमें लर्निंग का कोई मीनिंग नहीं होता है। लर्निंग करके आप कब तक किसी क्वेश्चन को याद रख पाएंगे? तो मैं नहीं समझती हूँ कि ज़्यादा रटना जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा किसी भी चीज़ को, क्योंकि ना तो साइंस को रटा जा सकता है ना मैथ्स को रटा जा सकता है। रटने से कोई भी समस्या का हल नहीं होगा क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है और आप सारे सिलेबस को रट करके याद नहीं कर सकते हैं। तो आप मैथ्स और साइंस को तो अभ्यास का प्रश्न बना लीजिए, इंग्लिश की कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसमें आप ये देख लीजिए कि आपके जो पाठ हैं इंग्लिश के उसका सारांश आप ज़रूर ध्यान में रखें और उसकी मुख्य बातें यानी आउटलाइंस ज़रूर नोट कर लें, अपनी एक नोटबुक बना लें, उसमें आउटलाइंस जो भी आपने पढ़ा है कि इसकी मुख्य बात क्या है। इससे आपको कुछ प्रश्न जो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं या आप बिल्कुल भूल चुके हैं उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखूं जो मुझे नहीं आ रहा है। जो भी बच्चे अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, शिक्षा के अलावा भी जीवन के और सारे कई क्षेत्र होते हैं, तो अभ्यास उसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान, रसरी आवत जात ते सिला पड़े निशान। यानी कि अभ्यास करने से जड़मति यानी बिल्कुल जिनकी बुद्धि नहीं होती है, बुद्धिमान जो व्यक्ति नहीं होते हैं वो भी सुजान हो जाते हैं यानी सुकुशल हो जाते हैं, वो कुशल हो जाते हैं, उनकी विद्या में कला आ जाती है और कलापूर्ण बन जाते हैं। मनुष्य को यदि आपको एक क्वेश्चन करना नहीं आता है, समझ लीजिए, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन तो करना आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो जिन्होंने मैथ्स के ये क्वेश्चन बनाए हैं वो भी एक इंसान थे और हम भी एक इंसान हैं, इसलिए आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है। कोई भी प्रश्न नहीं आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप उसे बार बार करके देख सकते हैं। यदि आप उसे बार बार करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसका उत्तर स्वयं निकाल लेंगे, क्वेश्चन का सॉल्व कर सकेंगे और फिर आप उस कला के विशेषज्ञ बन जाएंगे। यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपको आसानी से आ जाएगा। आपने सुना भी होगा कि संगीत में रियाज करते हैं, रियाज का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर अभ्यास होता है, यानी कि जितना ज़्यादा रियाज करते हैं उतना ही संगीत साधना सफल होती है। अभ्यास देखिए एक व्यक्तिगत ही कोई वस्तु नहीं है,
बल्कि यह एक सामूहिक रूप से जो है वरदान भी है। अभ्यास करते हैं तो देश का उत्थान होगा, समाज का सुधार होगा, समूचे राष्ट्र का अभ्यास चाहिए, साधना चाहिए, श्रम चाहिए। उन्नति के शिखर तक नहीं पहुंच जाएं तब तक आराम से ना बैठें, यानी कि आराम हराम है, लेकिन उतावलापन और जल्दबाजी ना करें। और अभ्यास की सबसे बड़ी शत्रु क्या है? उतावलापन और जल्दबाजी। धैर्य से अभ्यास किया जाए, यानी कि प्रैक्टिस विद पेशेंस। यदि दोनों का मेल मिल जाता है तो आपको परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बात पढ़ाई में मन लगाने की आती है यदि, तो अगर आप अपनी पढ़ाई को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यदि मान लेते हैं, कि जैसे खाना खाना हमारी ज़रूरत है, कि हम खाना खाएंगे तो जीवित रहेंगे, तो उसी प्रकार से पढ़ाई को भी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लीजिए, कि पढ़ेंगे तो हमारा व्यक्तित्व जिंदा रहेगा, अदरवाइज़ हमारा व्यक्तित्व मर जाएगा। अनपढ़ तो पशु होते हैं, ये सोच लीजिए कि अगर हम पढ़े नहीं तो हम पशुओं के समान बिहेव करने लग जाएंगे, क्योंकि कहा भी गया है विद्या विहीन नर पशु समाना, कि पढ़ाई के बिना इंसान जो है वो बिल्कुल पशुवत हो जाता है, पशु के समान हो जाता है। तो जड़मति से सुजान बने, यानी कि बुद्धि को जड़ ना होने दे। जड़ यानी बिल्कुल जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वैसा ना बनने दें। सुजान मतलब जिसमें अच्छी जान हो, और इसके लिए हम क्या करेंगे? निरंतर प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो हमें कोई भी सक्सेस पाने से नहीं रोक सकता है। हो सकता है कि आप टॉपर ना बन पाएं, हम ये नहीं कहते कि हर बच्चा टॉपर होना चाहिए, कुछ बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, दैट डजंट मैटर, वो मेहनत भी ज़्यादा कर लेते हैं और उनका कुछ टाइम मैनेजमेंट और अभ्यास का जो उनका मैनेजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन कुछ बच्चों को फेल होने का जो डर लगा रहता है, अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तो कभी भी आप फेल तो हो ही नहीं सकते हैं। फिर भी ईश्वर ना करे कभी कोई ऐसा चांस यदि ज़िंदगी में आ जाए कि आप अपने किसी काम में असफल हो गए, तो उस पहलू को, ज़िंदगी के उस पहलू को अपनी ज़िंदगी से अलग करके एक नया आपको काम हाथ में लेना ज़रूरी है। असफल होना कोई आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं होता है बच्चों। और अगर आप अपने जीवन को साथ ही और अपने माता पिता की खुशी को महत्व देते हैं, तो जैसा कि न्यूज़पेपर में मैंने कई बार पढ़ा है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ की, कि माता पिता का सोच करके कभी बच्चे अपना निर्णय लिया करें। और यदि आप खुद उनके स्थान पर बनकर के सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि उनकी पूरी ज़िंदगी आप पर टिकी हुई है, आपके पेरेंट्स की पूरी ज़िंदगी आप पर टिकी हुई है। कोई भी आपके साथ समस्या है तो उसे शेयर ज़रूर करें, अपने पेरेंट्स को शेयर करें। अगर आप पेरेंट्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, तो मैं आपका जो भी गाइडेंस होगी आपको अपनी तरफ से अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए और अभ्यास कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ईश्वर आपके हर काम को सफल बनाए और आपके जीवन में कोई बाधा ना आए, यही दुआ करते हुए मैं महिमा अग्रवाल आज के लिए आपसे इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।